फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिखा बख्शी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। तो आज है 14 अगस्त और सुबह के बज रहे हैं 10:30। मैं किचन में खड़ी हूँ, आज आपके साथ एक रेसिपी शेयर करूँगी, उसलिए मैं किचन में आई हूँ। और किचन के काम ना आज मैं जल्दी से निपटा लेना चाहती हूँ, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम है, क्योंकि कल राखी है। कल मुझे जाना था मार्केट लेकिन मैं गई नहीं, क्योंकि बहुत बारिश थी तो इस कारण मैं जा नहीं पाई। और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है मुझे, पसीने में पूरा भीग गई हूँ मैं। तो आज ही मैंने सारे काम निपटाने हैं, मिठाई भी लानी है, बच्चों को देने वाले गिफ्ट भी लाने हैं। मतलब हर्षू जो अपनी सिस्टर को देगा और जो उसकी सिस्टर है वो हर्षू को देगी, तो वो छोटा है ना वो भी कहेगा मेरे लिए क्या है, तो वो भी लेकर आने हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे काम हैं, और फिर तो इसलिए मैंने सोचा कि ये काम तो होते ही रहेंगे, पहले मैं किचन का काम कर लूँ। और किचन का काम, ये जो मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना, ये मेरे लिए एक पंथ दो काज है। बताऊँ कैसे? ऐसे कि जो ये वाली जो रेसिपी है ना, ये मेरे डिनर में काम आ जाएगी और मैं इसे बना कर ना फ्रिज में रख दूंगी, तो ये डिनर का काम हो जाएगा। फिर मुझे एक टेंशन नहीं रहेगी कि मुझे किचन में जाना है, खाना भी बनाना है इस कारण। तो चलो जल्दी से ना फ्रेंड्स, अपनी रेसिपी को मैं स्टार्ट करती हूँ आपके साथ। और आपके साथ ना मुझे बातें करना बहुत अच्छा लगता है, मन करता है मैं बोलती जाऊँ, लेकिन वीडियो है जो 15 मिनट से ज़्यादा नहीं बना सकते आप, और 15 मिनट से ज़्यादा वाली वीडियो ना बोर भी करती है, तो फिर आप मुझे देख देख के बोर हो जाओगे, है ना। तो चलो फिर मैं आपको बोर नहीं करती हूँ और अपनी रेसिपी को स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी सोया चाप। तो ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होती हैं, ये मैं लेकर आई थी, कम से कम आधा किलो से ऊपर थी ये, लेकिन इसमें से जो 2-3 है ना वो मैं खा गई हूँ। मैं कच्ची भी खा लेती हूँ, हाँ मुझे कच्ची भी बहुत टेस्टी लगती है ये, मतलब ऐसे ही धो के। तो अभी इनको मैंने वॉश नहीं किया है, तो इनको वॉश करके मैं जो इसके अंदर जो ये स्टिक होती है ना, ये निकाल लूंगी। और ये मैंने कैप्सिकम कट करा है एक मीडियम साइज का, और यहाँ मैंने प्याज लिए हैं 2 मीडियम साइज के, लंबे लंबे इसको कट कर लिया मैंने। और लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, और अगर आप अदरक लहसुन का पेस्ट डालना नहीं चाहते हैं तो जो इलायची कूटने वाला होता है ना, ये वाला, इसके अंदर आप अदरक लहसुन को ऐसे कूट के भी डालेंगे ना तो भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और लिया है मैंने फ्रेश क्रीम, दूध वाली क्रीम भी ले सकते हैं जो दूध पर आती है मलाई, लेकिन आज इतनी मलाई नहीं थी मेरे पास, तो मैं ये वाली अमूल की क्रीम यूज कर रही हूँ। और अमूल के अलावा भी बहुत सारी मार्केट में मिलती हैं, जिसका टेस्ट आपको पसंद हो आप वो ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें ये स्टिक लगी हुई है ना, ये निकाल लूंगी मैं, ये बहुत आसानी से ऐसे निकल आती है, देखिए कुछ भी नहीं करना होता, थोड़ा सा नीचे को प्रेस करेंगे तो ये निकल आएंगी ऐसे ही, इसकी ऐसे मैं सारी निकाल लूंगी। तो ये सारी स्टिक्स मैंने निकाल ली है, और ये कुल मिला के 6 हैं चाप, जो सोया चाप है ये 6 हैं, और सबका ऑलमोस्ट साइज जो होता है वो सेम ही होता है। तो ये चख के लीजिएगा आप, जिससे भी लेंगे ना एक बार टेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये खट्टी ना हो, खट्टी है तो मतलब खराब है। तो बिल्कुल फ्रेश लीजिएगा मार्केट से, ये किसी भी बेकरी शॉप में भी मिल जाती है, या फिर जो दूध पनीर और ये सब कुछ रखते हैं ना, दूध वाली चीजें, ये उनके पास भी होती है, मैंने तो वहीं से ही ली है। तो मैं इनको वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं आपको बताना भूल गई थी, मैंने टमाटर प्यूरी भी ली है, टमाटर का मैंने टमाटर को ग्राइंड कर लिया है, और ये 3 मीडियम साइज के टमाटर हैं जिनको मैंने ग्राइंड किया है। अच्छा, तो अब हम अपनी चाप को कट कर लेते हैं। और जो चाप है ना, ये आप फ्राई करके भी बना सकते हो, लेकिन फ्राई करके ना बहुत ऑयली हो जाती है, फ्राई करके भी बहुत टेस्टी बनती है, लेकिन यकीन मानिए कि बिना फ्राई करे भी ये बहुत अच्छी बनती है। और मैं आजकल ज्यादा ऑयली नहीं खा रही ना, आपको पता है ना, वैसे कल अभी जो मैंने एडिट नहीं करी है वीडियो, अभी एडिट करनी है, उसमें मैंने मूंग दाल का हलवा बनाया, लेकिन वो कल मैंने खाया था। ऐसी चीजें देख के ना मन कर जाता खाने का, और सारी राइटिंग रह जाती है धरी की धरी। तो बस ये ऐसे कट कर लेंगे, मैं बीच में से ऐसे कट कर रही हूँ। तो अब मैंने कढ़ाई ले ली है, अब हम कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। यहाँ तेल गरम हो गया है, अब इसमें डालूंगी मैं जीरा, और जीरा जैसे ही चटकने लगेगा तो अब मैं इसमें डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको बस 4-5 सेकेंड हिलाकर इसके अंदर प्याज डाल देंगे, और प्याज को वही हम अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। अच्छी तरह भून गए हैं, अब मैं इसके अंदर टमाटर प्यूरी ऐड कर रही हूँ। तो बस अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। अच्छा, नमक मैं अभी ऐड नहीं करूंगी इसके अंदर, क्योंकि मुझे क्रीम डालनी है, तो जो भी ये दूध वाली जितनी भी चीजें हैं ना, इनमें आप नमक बाद में ही ऐड करें। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी हल्दी पाउडर, और ऐड करूंगी लाल मिर्च पाउडर, और ऐड करूंगी सूखा धनिया, और गरम मसाला मैं बाद में ऐड करूंगी, जब तड़का बिल्कुल बनने पर हो जाएगा ना तब ऐड करूंगी। तो बस अभी हम इसको अच्छी तरह भून लेते हैं,
देखिए फ्रेंड्स, अब तेल छोड़ने लगा है तड़के ने, तो अब मैं इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। मसाले सब आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करिए। और इसको चलाऊंगी मैं 5-6 सेकंड के लिए, और फिर हम इसके अंदर कैप्सिकम ऐड करेंगे। अगर आपको शिमला मिर्च का टेस्ट पसंद नहीं है तो आप उसको मत डालिए, उसे रहने दे सकते हैं। और कैप्सिकम मैं इस स्टेज पे इसलिए ऐड कर रही हूँ कि हमने उसको बहुत ज़्यादा पका नहीं लेना है। तो पर अब मैं शिमला मिर्च ऐड करूँगी। और जो लोग वेजिटेरियन हैं, जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ, उनके लिए तो ये बहुत अच्छी हैं। फुल ऑफ प्रोटीन होता है इसके अंदर, और ऐसा कहते हैं, मैंने कभी नॉनवेज खाया तो नहीं है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि ये नॉनवेज का ही टेस्ट देती है। बस अभी मैं इसको 2-3 मिनट के लिए ढक दूंगी सिम फ्लेम पर, जिससे कैप्सिकम थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स, 2-3 मिनट हो चुके हैं, इस बीच में मैंने एक बार हिला भी लिया था सब्जी को। तो बस अब हम इसी स्टेज पर इसमें क्रीम ऐड करेंगे और इसको चलाएंगे, चलाते रहेंगे जिससे ये फट ना जाए। और क्रीम डालते ही सब्जी का जो कलर होता है ना, एकदम चेंज हो जाता है। क्रीम हो, दही हो, दूध हो, जो भी आप सब्जी में डल जाए ना, ये तो सब्जी का बिल्कुल कलर चेंज और टेस्ट चेंज हो जाता है। अब मैं इसे हिलाते हुए ही इसमें थोड़ा पानी ऐड करूंगी। अब पानी जो हम ऐड कर रहे हैं ना, वो आप जितनी ग्रेवी चाहते हैं ना, उस हिसाब से ऐड करिएगा, ठीक है। इसमें पानी ऐड कर रही हूँ और मैं देख लूंगी पहले मुझे कितनी ग्रेवी चाहिए। आप भी पहले पानी डाल के देख लीजिएगा कि कितनी आपको चाहिए, फिर पानी ऐड करिएगा। मतलब धीरे धीरे पानी ऐड करिएगा, तभी देखिएगा। थोड़ा सा और ऐड करूंगी बस। इसमें ना आप हरी मिर्च भी डाल सकते हो। हरी मिर्च नहीं डाली क्योंकि मैं हर्षु को भी यही खिलाती हूँ। अब हम इसमें एक बॉयल आने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें बॉयल आ गया है। मैं फ्लेम को सिंपर कर दूंगी और इसी स्टेज पर मैं इसके अंदर ऐड करने जा रही हूँ नमक। नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। और धीरे धीरे ही मैं इसमें अब ये चाप ऐड कर दूंगी और 7 से 8 मिनट बीच में हिलाते हुए मैं इसे ढककर पकाऊंगी। तो अब मैं इसे ढक दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, सब्जी बन के तैयार हो गई है। मैं गैस ऑफ कर दूंगी और ये इस तरह से बनी है। और इसको अब मैं हरे धनिया से गार्निश कर दूंगी। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया हम डालेंगे, थोड़ा सा इसी के साथ इसको मिक्स कर देंगे और ये सब्जी बनके तैयार है। तो अगर आपने अभी तक ये वाली सब्जी ट्राई नहीं किया ना, तो इसको ज़रूर करिएगा। तो इसको एक ट्राई ज़रूर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आके बैठ गई हूँ यहाँ पे और अभी मैं करूँगी थोड़ी सी एडिटिंग। जो मैंने कल वीडियो बनाई थी उसकी एडिटिंग करूँगी। सारी तो नहीं हो पाती है, जब जब मुझे टाइम मिलता है ना, आजकल दिन में भी मिलता है ना, तो भी मैं कर लेती हूँ। और थोड़ी सी मैं रात को करती हूँ, मतलब जब जब मुझे टाइम मिलता है मैं थोड़ी थोड़ी कर रही होती हूँ। तो अभी हर्षु को स्कूल से लाने में टाइम है, तो मैं उसका थोड़ी सी एडिटिंग कर लूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं थोड़ी सी वीडियो की एडिट करने के बाद फिर आपसे मिलूँ। फ्रेंड, तब से मैं अब आपसे मिल रही हूँ। तो बस अब मैं हर्षु को ले आई थी, उसको खाना वाना मैंने खिला दिया था और अब मैं जा रही हूँ मिठाई लेने के लिए। तो सोच रही हूँ कि थोड़े थोड़े काम जैसे निपटा सकती हूँ वैसे निपटा लूँ। और हस्बैंड को बोल रखा है, लेकिन पता नहीं होता ना, शाम को बारिश आ जाए तो वो भी ट्रैफिक में फंस जाते हैं, लेट हो जाते हैं। तो बस मैं अपने आप से जितने काम हो पा रहे हैं उतने निपटा रही हूँ। नहीं ऐसे नहीं, तो उतने मैं निपटाती जा रही हूँ बस। और अब मैं, मेरे पास 1.25 घंटा है अभी। तो बस बेटी को आने में भी अभी मेरे 1.5 घंटा पड़ा हुआ है। तो इस 1.5 घंटे में मैं जाके मिठाई ले आती हूँ। है तो पास में, लेकिन इतना भी पास नहीं है। मैंने कैब बुक कराई है, तो बस कैब आने वाली है। और उसने भी, जब मेरी बेटी आएगी तब मैं दोबारा एक चक्कर और लगाना है मुझे, क्योंकि उसने अपनी पसंद से अपने भाई के लिए गिफ्ट लेना है। तो उसके लिए मैं दोबारा जाऊंगी। तो दोबारा मुझे इसलिए भी जाना पड़ेगा क्योंकि ये मिठाई वाला रास्ता और गिफ्ट शॉप वाला रास्ता अलग अलग है। मुझे पता है कि आप सभी बिजी होंगे राखी की तैयारी में, और जब तक ये ब्लॉग जाएगा तब तक तो राखी हो भी चुकी होगी शायद।
चुकी हूँ मैं घर पे और आकर अभी बैठी हूँ, सिर्फ पानी पिया है और अभी पसीने वैसे ही आ रहे हैं सारे। तो आपने देखा कितनी भीड़ थी, तो बस वो सारा सामान मैं ले आई हूँ, खाने पीने का, मिठाई वगैरह जो कल मुझे चाहिए होगा। मैं दिखाती हूँ मैं क्या लाई हूँ। फ्रेंड्स, मैं ये सब कुछ लाई हूँ ये खाने पीने के लिए, तो सब कुछ इसमें मिक्स है। कुछ खोलने वाला है, कुछ मैं अपने भाई को दूंगी क्योंकि मेरी भतीजी भी है, तो उसकी छोटी सी प्यारी सी बेटी है मेरे भाई की, के लिए है। इसमें से कुछ खोलने वाला है, कुछ उसको देने वाला है, और ये मिठाई है, इसमें से मिठाई वो है, और ये मिठाई है जो उस समय खोलेंगे राखी करते टाइम, और कुछ मैं अपने भाई को देने के लिए लाई हूँ। जो सबसे नीचे है ना, मैं दिखाती हूँ, ये जो बॉक्स है ना, ये काजू कतली का बॉक्स है, और हर साल मतलब हमेशा ये इनका त्योहारों पे ना चेंज हो जाता है, जो भी फेस्टिवल आता है ना, फेस्टिवल आता है ना, उसमें ये डब्बा ये काजू कतली वाला चेंज कर देते हैं, और इस बारी पिंक कलर का है, और हर बार सुंदर से सुंदर ही होता है। और लेकर आई हूँ कुछ, जैसे सुबह के नाश्ते के लिए भी मैं ले आई हूँ, क्योंकि जब मेरे मम्मी पापा आते हैं ना, तो वो लोग कहते हैं कि खाना वाना नहीं बनाना, हम सब बाहर से मंगवाएंगे। खाना बनवाने से उनको लगता है कि क्या मेरी बेटी थकेगी और खाना बनाएगी, ऐसा होता है ना, तो मायके वाला ऐसे सोचते हैं, और मैं जानती हूँ कि सबके ही मायके वाले ऐसा सोचते ही हैं। और ये है, ये लेकर आई हूँ मैं पनीर पकौड़ा, कटलेट वगैरह, रस मलाई वगैरह, ऐसी करके चीज़ें लाई हूँ। ये लाई हूँ, ये भी मैं अपने भाई को देने के लिए लाई हूँ, तो ये भी हल्दीराम से ही मैंने ये प्लेट लिया है, और ये सही थी बिल्कुल, बल्कि ना उनके जो डब्बे थे ना वो ज़्यादा महंगे पड़ रहे थे, प्लेट सस्ती पड़ रही थी, तो बस यही सब कुछ लाई हूँ। ये फ्रेंड्स, बस यही थी मैं जो मिठाई की और खाने पीने की चीज़ें ले आई हूँ। ये भी बहुत बड़ा काम था, बहुत भीड़ थी वहाँ पर, और अब बानी आ गई है स्कूल से, अब बस इसको रोटी बना के दूंगी और फिर थोड़ा ये रेस्ट करेगी, उसके बाद फिर हम निकलेंगे। फाइनली सारी तैयारी हो गई है और हम गए थे मॉल, मॉल में बहुत रश था, और आते आते हमें हो गए थे 10, और अब बज रहे हैं रात के 11। तो जो मैं लेकर आई हूँ वो मैं आपसे शेयर करूँगी, तो अभी खोलूँगी तो नहीं। ये मेरी बेटी लेकर आई है, उसने अपने पसंद से ही अपना गिफ्ट लिया है, ये हमने इससे लिया है, तो ये कल ही खोलेगी। इसके अंदर कोई मेरे ख्याल से बिजनेस गेम है जो उसने लिया है, वो है जो बच्चों के गेम्स होते हैं। और एक मेरे बेटे ने लिया है जो मेरी बेटी देगी अपने भाई को, ये लिया है। इसके अंदर तो बबल गन है। जाते जाते जैसे ही मैं निकल रही थी, तो नीचे ही पैसिफिक में नीचे ही ग्राउंड फ्लोर पर ही वहाँ पर ऑरेलिया का शोरूम है, तो वहाँ पर मैंने देखा कि 50% का डिस्काउंट चल रहा है, तो ऑरेलिया के एक दो सूट हैं मेरे पास जिसकी फिटिंग मुझे अच्छी आती है, तो मैंने कहा एक बार अंदर जाके देख लेते हैं। जब देखा तो बहुत ज़्यादा वैरायटी पर तो नहीं है डिस्काउंट, कुछ ही कुर्तों पर और सूट्स पर है, तो उनमें से कोई सूट मुझे पसंद आ गया, तो मैं ये अपने लिए भी ले आई, तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको। तो मैंने पीच कलर का सूट लिया है ऐसा, इसके नीचे जो ये प्लेट्स है ना, इसी से इसके सूट का गेटअप आ रहा है, और बस इतना ही सॉबर सा ऊपर वर्क है, और ये फ्रॉक स्टाइल सूट है, नीचे से फ्रॉक है, इतनी इसकी बाजू है 3/4, और ये अच्छा लगा मुझे पहनकर, मैंने ट्राई करके देखा था वहाँ पे, तो अच्छा लगा तो मैंने ये ले लिया। दुपट्टा है वो डबल शेडेड है, वाइट और ऐसा नीचे पीच, और नीचे ये लटकन सी लगी हुई है पॉम पॉम, तो ये इसका नेट का दुपट्टा है। पजामी है इसके साथ चूड़ीदार, और जो कॉटन की है, बस ये सूट मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये की फ़िटिंग बहुत अच्छी आती है सूट्स की, तो बस पसंद आया मैंने ले लिया, और ये सूट मुझे मिला है डिस्काउंट के बाद 1920 का, 1920 रुपये का ये मुझे सूट मिला है। तो फ्रेंड्स, चलिए फिर अब रात बहुत हो गई है, वीडियो को एंड करूँगी। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कॉमेंट्स करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा, जिससे मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।